अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक। बनाना बहुत ही आसान है, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, उसको डंडियों के साथ ही आपने लेना है। वन बंच ऑफ, हमने यहाँ पर एक गट्ठी पूरी ली है पुदीने की, अच्छी तरह से वॉश किया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पुदीने को इन डंडियों के साथ ही पानी में शामिल करेंगे। यहाँ पर एक लीटर के करीब मैंने पानी लिया है और इसमें वन बंच ऑफ मैंने ये डाल दी है पुदीने की गट्ठी। और यहाँ पर मैं डालूँगी छोटी इलायचियाँ 6 से 7 अदद, उनका ऊपर से आपने थोड़ा सा मुँह खोल देना है। इसको आपने इतना पकाना है कि पानी भी इससे कम हो जाए और अच्छी तरह से तमाम का तमाम जो पुदीने का कलर है पानी में निकल आए। आज की ये जो ड्रिंक है, जिन मेरे बहन भाइयों का जब हम धूप में बाहर जाते हैं या नहीं भी जाते, घर भी काम करने से मुंह खुश्क होता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, जिस्म बेजान हो जाता है, ये ड्रिंक उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की ये ज़बरदस्त सी ड्रिंक जो हमने आपके लिए बनाई है, ये आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पुदीने ने कलर छोड़ दिया है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जो पुदीना है वो हम सारा निकाल देंगे और अगर जो रह जाएगा उसको हम बाद में स्ट्रेन करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप भर कर लिया है शक्कर का, अगर आपके पास शक्कर ना हो तो आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी कि इसी कढ़ाई में हम ये शक्कर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, उतना कुक करेंगे कि शक्कर जो है अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाल्लाह ताला ये जो ड्रिंक है आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगी, ख़ास तौर पर इस कड़कती हुई गर्मी में, कड़कती हुई धूप में। बच्चे जब स्कूल से आए तो उनके लिए ये ज़रूर बना के शरबत रखें। यहाँ पर अब जो हमारा शरबत था वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है, अब हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें जो इलायची है और यहाँ पर अगर जो शक्कर के अंदर कोई गर्द या कोई गंद वगैरह होगा वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक हो गया, रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप देखा करें, स्किप करके मत देखा करें। यहाँ पर अच्छी तरह से जो हमारा ये शरबत था वो मैंने स्ट्रेन कर दिया है, अब हमने दोबारा से उसी कढ़ाई में इसको शामिल कर देना है और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसी में मैं शामिल करूँगी 1 पिंच ऑफ डालेंगे काली मिर्चों का और नमक काला मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप आम जो नमक है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 नींबू का जूस लिया था और मैंने बस थोड़ा 1 टीस्पून मैंने रखा है, बाकी मैंने तमाम का तमाम शामिल कर चुकी हूँ। मैंने पहले भी जितने भी ड्रिंक बनाए हैं आपको यही मैंने कहा है कि खुदाया सिरका वगैरह इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश यही करें अगर तमाम हम कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें नींबू ही आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उसका टेस्ट बेहद ही लाजवाब और मज़ेदार बन के आता है। इसमें भी आपने सिर्फ लेमन ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह से ग्लास के ऊपर आपने लेमन जूस को डिप करना है। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो जो आप शरबत बना रहे हैं या जूस बना रहे हैं तो आप उसी को लगा कर, और ये जो मैंने शक्कर थोड़ी सी रखी थी इसी तरह से इसको इसके ऊपर अप्लाई करें। ट्राई कीजिएगा आज की ये ज़बरदस्त सी जो हमने आपके लिए जूस बनाया है, शरबत बनाया है या ड्रिंक बनाया है, आज का ये आपको हमारा कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बेहद पसंद आएगा, ये पीने से आपके जिस्म के अंदर जो कमी है वो भी पूरी होगी और जो आपको गर्मी महसूस हो रही होगी वो भी आपकी दूर होगी और जो मुंह खुश्क हो रहा है या ज़ुबान खुश्क हो रही है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले आपने 1/2 ग्लास आपने शरबत के शामिल करना है, उसमें आपने बर्फ़ शामिल करनी है और फिर आपने इसके ऊपर चिल्ड वाटर डालना है। ग्रीन कलर मैंने इसको नहीं दिया और प्लीज़ आप भी मत दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप हर शरबत में या जूस में कोई भी फूड कलर शामिल करें।
ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर शामिल करना है तुख बलंगा, ये ज़रूर शामिल करिएगा। इस ये भी हमारे लिए बेहद मुफीद है, ठंडा होता है और इससे कब्ज़ वग़ैरह भी जिनको है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। आज के ज़बरदस्त सा जो शरबत आपके लिए रेडी किया है, इसको आप 3 से 4 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।